दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube स्टूडियो के नए अपडेट के बारे में, जिसमें उन्होंने एक नया ऑप्शन ऐड किया है कस्टमाइजेशन। और ये ऑप्शन आपको जो है YouTube स्टूडियो के जो है डैशबोर्ड के अंदर ही आपको मिल जाता है दोस्तों। उस ऑप्शन के अंदर आप क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप साइट के अंदर। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं। इसको जो हम दोस्तों यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर हम ओपन कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप साइट पर हमारा जो है चैनल ओपन हो चुका है दोस्तों। अब इसको हम चलते हैं हमारे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। यहाँ से तो दोस्तों ये जो हमारा YouTube स्टूडियो का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है दोस्तों। अब जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं मैजिक सा निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है नया ऑप्शन ऐड किया है कस्टमाइजेशन। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कस्टमाइजेशन। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर। एक तो चैनल ट्रेलर के लिए, जो आप चैनल ट्रेलर के लिए वीडियो ऐड कर सकते हैं, और एक आपको यहाँ पर जो है फीचर्ड वीडियो जो है ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो है दोस्तों पॉपुलर अपलोड्स और अपलोड्स का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पर आपको साइड में ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। इस पर आप क्लिक कर जो है आप यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट प्लेलिस्ट, मल्टीपल प्लेलिस्ट, सिंगल प्लेलिस्ट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं प्लेलिस्ट का। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ ये तो हो गया हमारा लेआउट। अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग का। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है चैनल का लोगो हो जाएगा। यहाँ से आप जो उसको रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको जो है बैनर दिखाई दे रहा है आपके चैनल का, यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों वीडियो वाटरमार्क का। तो यहाँ आप जो है आपकी वीडियो के नीचे वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, जिसमें आप जो है अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं या कोई सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों ब्रांडिंग। अब हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्म की। तो यहाँ पर आप अपने चैनल के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं दोस्तों। और नीचे की तरफ आपको जो है सोशल मीडिया लिंक देने का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, जिसमें आप अपने सोशल मीडिया जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके आप लिंक दे सकते हैं जो कि आपके चैनल के बैनर पर दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन के अंदर दोस्तों कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप इस ऑप्शन के अंदर ये तीनों कस्टमाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाकर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। पहले आपको जो है सेटिंग्स के अंदर जाकर ये सब करना पड़ता था, अब आपको ये जो ऑप्शन है बाहर ही मिल जाता है दोस्तों। तो ये फीचर आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारी इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।